मानसून में कई तरह की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं में से एक सबसे बड़ी समस्या आंखों का इन्फेक्शन भी है, जिसे आई फ्लू कहते हैं। आई फ्लू को कंजंक्टिव आइटिस के नाम से भी जाना जाता है। क्या है कंजंक्टिव आइटिस या आई फ्लू? कंजंक्टिव आइटिस या आई फ्लू, जिसे हम आंख आने के नाम से भी जानते हैं, ये एक आम संक्रमण है जिसका सामना हम सभी ने कभी ना कभी किया होगा। इस संक्रमण में आंखों में जलन होती है, मगर इस समस्या के होने पर क्या करना चाहिए तथा कैसे बचाव करना चाहिए, ये कम ही लोग जानते हैं, समझते हैं। आइए, आंखों के संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं, पर इनके मुख्य कारण होते हैं छोटे जीवाणु और वायरस से हुआ संक्रमण। आमतौर पर यह एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन कई मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी ऐसे संक्रमण आंखों में कुछ चले जाने की वजह से होते हैं, जैसे धूल या गंदगी। इस संक्रमण की शुरुआत एक आंख से होती है, लेकिन जल्दी ही दूसरी आंख भी इसकी चपेट में आ जाती है। आंखों का संक्रमण या आई फ्लू साधारणतः मौसम में परिवर्तन के साथ देखा जाता है। यह ठंड मौसम या बरसात के मौसम में ज्यादातर होता है। यह एक फैलने वाली बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। एक बार यह किसी को होता है तो उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी फैलने लगता है। आंखों में इन्फेक्शन होने पर आंख पहले गहरे पीले रंग की दिखाई देती है, फिर कुछ समय बाद आंखों का रंग बदलकर लाल हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस के लक्षण: आंखें लाल होना, आंखों में खुजली होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों से पानी आना और आंखों में दर्द होना। शुरुआत में ये लक्षण एक आंख में नजर आते हैं और एहतियात या इलाज ना करने पर दूसरे आंख में भी फैल सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस के गंभीर अवस्था में कुछ रोगियों की आंखों से खून भी निकल सकता है। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो इसका घरेलू इलाज करने से पहले इन बातों पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आई फ्लू में सही इलाज तभी संभव है जब कुछ सावधानियां बरती जाएं। पहला, किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आंखों को हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए। यदि बच्चों के आंख में हो गया है तो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आंखों को 3-4 बार गुनगुने पानी से धोना चाहिए। 3-4 दिन रोगी को आराम करना चाहिए। किसी दूसरे का तौलिया रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ कारगर घरेलू उपचार। पहला, गुलाब जल। गुलाब के जल से आंखों को धोने से आंखों का इन्फेक्शन कम हो जाता है। गुलाब के जल की 2 बूंदें आंखों में लगाएं और इसे रोजाना दिन में 2 बार करने से कंजंक्टिव आइटिस कम हो जाता है और इस समस्या को खत्म भी किया जा सकता है। दूसरा है गर्म पानी। हल्के गर्म पानी के इस्तेमाल से आंखों को धोने से आंखों के ऊपर जमने वाली गंदगी हट जाती है। गर्म पानी को किसी बर्तन में निकालकर हल्का ठंडा कर लें और उस हल्के गर्म पानी से आप सीधे अपने आंखों को धो भी सकते हैं, जिससे आंखों में जमी धूल गंदगी बाहर आ जाएगी। तीसरा, आंवले का रस। 3 से 4 आंवले के फल के गूदे को पीसकर उसका रस निकाल लें और 1 गिलास पानी में उस रस को मिलाकर पिएं। आंवले के रस को सुबह खाली पेट में और रात में सोने के पहले दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। आंखों में संक्रमण होने पर आंवले के रस पीने से भी लाभ मिलता है। चौथा, शहद और पानी का प्रयोग। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद को मिला लें, फिर उस जल को अपने हाथों से तेज झटके के साथ खुली आंखों में मारे। शहद से आंखों को धोने से आंखों का संक्रमण दूर होता है। पांचवा, हल्दी और गर्म पानी। 2 चम्मच हल्दी के पाउडर को 2-3 मिनट गर्म करें। 1 गिलास में गर्म पानी में उस हल्दी को मिला दें। रुई की मदद से आंखों को साफ करें। गर्म पानी में हल्दी को मिलाकर रुई से आंखों को पोंछना चाहिए। छठा, आलू। 1 आलू को अच्छे से पतले पतले टुकड़ों में काट लें। रात में सोने से पहले कटे हुए आलू को अपने आंखों के ऊपर 10 मिनट तक लगाकर रखें, फिर उसे उतार दें। आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में होता है, जिसके इस्तेमाल से आंखों के संक्रमण को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ आई फ्लू के खास और कारगर उपाय, जिनकी मदद से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।